मेरे एक दोस्त सुनील पाल, बहुत अच्छे दोस्त, धमाल, हाँ, जिनको भगवान ऐसे दोस्त दे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। मेरी सबसे पहली मुलाकात उनसे चिड़ियाघर में हुई थी। बंदर के पिंजरे के सामने मैं बाहर खड़ा था। वो कहाँ थे आप तो समझ गए। छह लोग यहाँ पर आए, पराग कंसारा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बच्चों को बहुत ऊंची ऊंची बात सिखाते हैं। बेटा सोचो, दिल सोचो, उनको दिल। सिखाए, कोई पानी मांगे तो तीन चीज पूछना, बोले कैसे, बोले जैसे वो बोले पानी पिलाओ तो उनको बताना कहाँ का लाऊं, नल का, कुएं का या हैंडपम्प का। बच्चा बहुत ही ऊंचा सोचा, एक दिन में पहुंच गया, बेटे मैं इनका पानी पिलाओ, बोले अंकल कहाँ का लाऊं, नल का लाऊं, कुएं का लाऊं, हैंडपम्प का लाऊं। मैंने कहा तीन तीन पानी, रेन दे, चाय पिला। बोले कहाँ की लाऊं, असम की लाऊं, दार्जिलिंग की लाऊं या बंगाल की लाऊं, श्रीलंका की लाऊं। चाय भी तीन तीन, रेन दे, लस्सी ला। बोले मद्रास की लाऊं के पंजाब की लाऊं के आसाम की लाऊं। मैंने कहा यार लस्सी भी तीन तीन। मैंने कहा रेन दे, तू तो पिताजी को बोला। बोले कहां के बोला, गुजरात के बोलाऊं के मद्रास के बोलाऊं। खतरनाक होते हैं, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे ने ज्यादा ही सोचा, उसकी मंगनी के लिए गए। पराग जी साथ में बैठे, बोले बेटा ऊंची ऊंची छोड़ना। लड़की वालों ने पूछे बेटा कहाँ तक पढ़े हो, मैट्रिक तक, बोले नहीं एमए तक। बेटे प्राइवेट नौकरी करते हो, नहीं बोले सरकारी। 5,000 तनख्वाह होगी, नहीं बोले 10,000। उतने में बच्चे को खांसी आई, बोले खांसी है, बोले नहीं टीबी। ऐसे ऐसे लोग, मगर गुग्गी जी तो कमाल के आदमी, रहते पंजाब में है, कार्यक्रम मद्रास के करते, मुझे भी साथ ले गए। आयोजक मुझे बोले एहसान भाई आपको संचालन करना है। मैंने कहा कर देंगे। बोले 6 हिंदी के आइटम है, 1 संस्कृत का है। बोले ये संस्कृत में सबको सुनाएगा, आप हिंदी में अनुवाद करके सुनाना। मैं उसको एक तरफ ले गया, मैंने कहा सामने जितने बैठे इनको संस्कृत आती है क्या, बोले नहीं। मैंने कहा तब तो बता देंगे, वो भी ऐसे ही अपन भी ऐसे ही, अपन को जो बोलना है वही समझेंगे। साहब संस्कृत का कवि आया, पहली पंक्ति पढ़ा, स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्रियाश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा कवि कह रहा है स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। उसने दूसरी लाइन पढ़ी, ना जाना कि देवो कुतो मनुष्यम। मैंने कि ये कह रहा है जिसे देवता नहीं जान पाए उसे कुत्ता क्या जान पाए। और इन 6 लोगों में सर राजू श्रीवास्तव जी है। आज आप ठान के आए लगता है, एक-एक क्लास लेंगे। नहीं सब मुझे निपटा रहे, मैंने सोचा मैं भी निपटा। इसके बाद कोई आपको नहीं निपटाएगा। गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। राजू श्रीवास्तव इंटरनेशनल आर्टिस्ट, अमेरिका गए, दावत दे के आ गए, वो ऑर्गेनाइजर यहाँ घूमने आया। उसको बोले और कोई अच्छी चीज दिखाओ, इनने सोचा सबसे बड़ा वंडर दिखाओ, ताजमहल दिखाए। बोले ये साहब विश्व का 7वां आश्चर्य। बोले ये कितने दिन में बनाया, राजू जी ने बताया इसको 15-16 साल लग गए। वो अमरीकन बड़ा फेकू आदमी, बोले और तुम्हारा देश का आदमी बहुत आलसी है, इतना बड़ा बिल्डिंग तो हम 4-5 घंटे में बना के फेंक देता। राजू जी समझ गए बहुत बड़ा फेकू है। उसको दूसरे दिन उससे बड़ा मकबरा दिखाया, लाल किला। बोले ये बिल्डिंग कितने साल में बनी, बोले इसको भी 25-30 साल लगे। बोले तुम्हारा देश का आदमी आलसी है, हम 5-6 घंटे में इतना बड़ा बिल्डिंग बना के फेंक देते। अब राजू जी को रात भर नींद नहीं आई, देश की इज्जत का सवाल था। रात भर सोचते रहे इसको निपटाना है। सुबह ही 5 बजे गए उसके कमरे में, बेल बजाई, बाहर चलो। सीधा कुतुब मीनार दिखाया तो उसने ऐसा देखा, पहले तो उसका टोप गिरा, फिर वो खुद गिरा। बोले इतना बड़ा बिल्डिंग कल क्यों नहीं दिखाया, बोले कल बनाई कहाँ था। वो तो रात में बैठ के बनाए। ये फेंका इक्का। मगर देश पे खतरा आए तो आदमी को हिलना नहीं चाहिए, अपने भगवंत मान,
इनकी तो बातों में ही व्यंग होता, वो भी इंटरनेशनल। जब देखो जब अफ्रीका में ही कार्यक्रम चलते हैं, दोनों अफ्रीकन भारत आए, बोले तुम्हारे यहाँ का गार्ड बहुत खुश होता है, हमको घुमाओ, ये सीधा शंकर जी की गुफा में ले गए, अमरनाथ की गुफा में, बोले जो भी मांगो मिलता है। तीनों ने आग बंद किए, मांगना शुरू किए, आवाज आई मांगो, क्या मांगते हो? तो एक अफ्रीकन बोला, हे भगवान मैं काला हूं मुझे गोरा कर दो। आवाज आई तथास्तु, वो फटने से गोरा हो गया। बाजू में दूसरा आदमी बोले, भगवान मुझे भी गोरा कर दो। तथास्तु, वो भी गोरा हो गया। अब भगवंत मान का नंबर, बोले बंदे तूने इन दो को पकड़ के लाया, तू भी मांग ले। मगर ये भारतीय आदमी किसी का भला नहीं देख सकता, बोले क्या मांगना है भगवान? इन दोनों को सालों को फिर से काला कर दो। मल्लिका शेरावा, आग लग गई। मल्लिका शेरावा, दिन दहाड़े चौपाटी पर समंदर के किनारे। हाय हाय हाय, आग लग गई। मल्लिका शेरावा, दिन दहाड़े चौपाटी पर समुंदर के किनारे। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, हमने फौरन देखा रिएक्शन। मल्लिका ने सेक्सी अदाओं के साथ कैमरे को देखी। मल्लिका ने सेक्सी अदाओं के साथ कैमरे को देखी और अपना टी शर्ट उतार कर सड़क पर फेंकी। मल्लिका ने सेक्सी अदाओं के साथ कैमरे की तरफ देखी और अपना टी शर्ट उतार कर जमीन पर फेंकी। टी शर्ट की खुशबू सूंघकर सोता हुआ कुत्ता जाग गया। टी शर्ट की खुशबू सूंघकर सोता हुआ कुत्ता जाग गया, मुंह में टी शर्ट लिया और सरपट भाग गया। अब वो कुत्ता एकांत में जाकर मजे ले लेकर टी शर्ट खा रहा था। अब एकांत में कुत्ता जाकर टी शर्ट को मजे ले लेके खा रहा था और सामने बैठा उसका पिल्ला ललचा रहा। एकांत में जाकर कुत्ता मजे ले लेकर टी शर्ट खा रहा था, उसका पिल्ला सामने बैठ के ललचा रहा था। पिल्ला बोला, पापा पापा मुझे भी जवानी की दहलीज पे कदम रखने दो, थोड़ा टी शर्ट और थोड़ा सा टी शर्ट मुझे भी चखने दो। पिल्ला बोला, पापा पापा मुझे भी जवानी की दहलीज पे कदम रखने दो और थोड़ा सा टी शर्ट मुझे भी चखने दो। कुत्ता बोला, बेटे टी शर्ट देख के तेरे दिल में कुछ कुछ होता है, तू छोटी छोटी बातों पर क्यों रोता है? तुझे क्या मालूम बेटा, इस टाइप का हर आइटम केवल वयस्कों के लिए होता है।